दोस्तों, एक अकाउंटेंट को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जिस फर्म में वो काम कर रहा है वो किस टाइप की फर्म है। मीन्स प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या वो वन पर्सन कंपनी है, या वो पार्टनरशिप फर्म है, या एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, या वो प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर वो पब्लिक लिमिटेड है, मीन्स लिमिटेड कंपनी। एक्चुअली में ये कंपनीज होती क्या है? अगर एक अकाउंटेंट को इसकी अच्छे से नॉलेज हो तो वो जिस फर्म के अंदर जॉब कर रहा है उसके ओनर को ये सुजेस्ट कर सकता है कि सर, हमारी जो ये फर्म है उसको अपडेट करने की जरूरत है। उसे या तो अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहा है तो उसे वन पर्सन कंपनी बनवाए, अगर वो पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो उसे एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है, और या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बना सकता है। तो ये सभी तरह की कंपनीज फर्म होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या इनकी लिमिट है और क्या लाइबिलिटी है, तो इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करते हो तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति जो अपनी फर्म को चला रहा है, उसमें अकेला ओनर है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अब एडवांटेज ये है कि एक अकेला मालिक है तो जितना पैसा आएगा वो उसका, और साथ ही साथ उसे ना तो किसी को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना बांटना पड़ेगा, तो जितना पैसा है सारा उसी का है। और साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो बैंक में जाता है और कहता है जी मुझे फर्म के नाम से एक अकाउंट ओपन करवाना है, मतलब कहने का ये है कि वो एक प्रोफेशनली अपने आप को अपना जो स्टेटस है वो दिखाना चाहता है कि मैं फॉर एग्जांपल एक राधे एंटरप्राइज का ओनर हूं, तो वो क्या चाहता है कि जब वो पेमेंट के लिए किसी को बोले तो वो कहे जी आप राधे एंटरप्राइज के अकाउंट में पैसे डाल दीजिए या राधे एंटरप्राइज के नाम से चेक बना दीजिए। तो ऐसे में उसे फर्म में, मतलब के जो बैंक है, बैंक में जाकर ये बताना पड़ेगा कि मैं राधे एंटरप्राइज का ओनर हूं और मुझे राधे एंटरप्राइज का एक अकाउंट ओपन करवाना है। तो बैंक वाला उससे कहेगा कि आप एक शॉप एक्ट का एक रजिस्ट्रेशन ले आइए, एक सर्टिफिकेट ले आइए, और आपका हम बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ऐसे में उसका एक एडिशनल खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, ये एक फायदा भी है, एटलीस्ट स्टेटस तो उसका अपडेट होगा, मतलब एक प्रोफेशनल स्टेटस होगा उसका। और साथ ही साथ इसमें और मतलब क्या डिसएडवांटेज है, देखिए एक डिसएडवांटेज आता है इसके अंदर, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। देखिए, जब आप बिजनेस करने के लिए बैंक से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, या आप जिनसे सामान खरीदते हैं आप ने उनकी पेमेंट देनी है, और अचानक से बिजनेस डूब जाता है, बंद हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में या माल खराब हो जाता है तो पैसा लेने वाला तो पैसा मांगेगा आपसे। तो जब आपको पैसा देना है और आपका बिजनेस सब बंद हो गया, अब आप पैसा कैसे देंगे? आप कहेंगे मेरा तो बिजनेस बंद हो गया, मैं आप कहां से दूं पैसा? वो सभी लोग आप पर केस कर देंगे और कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा कि इसकी सारी प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी पैसा मिलता है उसे बैंक वालों का या जितने भी क्लाइंट्स जो पार्टी हैं उन सभी का पेमेंट किया जाए। ऐसे में होगा ये कि आपकी सारी प्रॉपर्टी को सेल करके उन सभी की लाइबिलिटीज को पूरा किया जाएगा। अब आप सोचेंगे ये तो गलत है, गलत है तो है, अब इससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, 2013 में कंपनीज एक्ट के तहत एक मतलब एक एक्ट बना था, और उसमें ये कहा गया था कि जितने भी सोल प्रोप्राइटर अकेले मालिक हैं अपने बिजनेस के, वो अपनी लाइबिलिटी को अगर लिमिटेड करवाना चाहते हैं, देखिए अभी तो अनलिमिटेड है, उसके आगे लिमिटेड वर्ड नहीं लगा ना, अनलिमिटेड है वो कहते हैं। तो मतलब कि उस एक्ट के तहत वो एक्ट कहता है कि अगर आप अपनी लिमिटेड जो लाइबिलिटी है उस मतलब कि लिमिटेड करवाना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ओपीसी के तहत करवा लीजिए। ओपीसी होता है वन पर्सन कंपनी। तो आपकी जो फर्म जो राधे एंटरप्राइज है, अब क्या होगा, राधे एंटरप्राइज और ब्रैकेट में लिखा जाएगा ओपीसी लिमिटेड, मतलब वन पर्सन कंपनी लिमिटेड। इससे होगा क्या कि आप मतलब कि अभी जो राधे एंटरप्राइज में काम कर रहे थे, अब राधे एंटरप्राइज लीगल तौर पर एक लीगल एंटिटी बन गई, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन, अब आप एक नहीं दो माने जाओगे। जो आपकी फर्म है जो राधे एंटरप्राइज ओपीसी लिमिटेड है वो एक अलग पर्सन मानी जाएगी और आप अलग। अब जितना भी बिजनेस करोगे
वो सारा ओपीसी मतलब राधे एंटरप्राइज ओपीसी का होगा। कल को दिवालिया हो जाती है किसी के कुछ भी मतलब आपने पेमेंट देनी है, बैंक की पेमेंट देनी है या फिर किसी पार्टी के पैसे देने हैं, तो वो केस भी करेंगे तो सिर्फ राधे एंटरप्राइज ओपीसी लिमिटेड पर करेंगे। उससे क्या है कि जब कोर्ट ऑर्डर देगी तो वो यही कहेगी कि राधे एंटरप्राइज ओपीसी की जितनी भी असेट्स है जो उसके नाम से रजिस्टर्ड है उसे बेचकर सारी लायबिलिटी चुका दी जाए, और जो उसका ओनर है उससे मतलब कि उसे लीगली टच नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को टच किया जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है अगर आप, ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है अगर आप अपनी मतलब के फर्म को ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। और इसके लिए आपको दो लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें मिनिमम 1% चाहिए और मैक्सिमम भी 1% चाहिए, इसीलिए इसे 1% कहा गया है। इसमें दो लोग ऐड नहीं हो सकते, एक ही व्यक्ति इसका ओनर होगा और वही इसको चलाएगा। और अगर मतलब के ये किसी केस में उसकी डेथ हो जाती है तो फिर ये कंपनी क्लोज हो जाएगी, इसका एक नॉमिनी भी होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर इस फर्म को बनाते हैं और इसमें मिनिमम दो व्यक्ति और मैक्सिमम 100 व्यक्ति इसके अंदर काम करते हैं, मतलब 100 पार्टनर इसमें काम कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और ये कंपनीज एक्ट 2013 में ये अपडेट आई थी, पहले इसमें 10% मैक्सिमम पार्टनरशिप ले सकते थे, पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे और काम कर सकते थे, लेकिन 2013 में मतलब कि कंपनीज एक्ट के तहत एक अपडेट आई जिसमें ये कहा गया कि अब इसमें 100 व्यक्ति मैक्सिमम पार्टनर बन सकते हैं। और इसमें भी मतलब जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में, और इसे अनलिमिटेड करवाने के लिए 2013 में एक मतलब के कंपनीज एक्ट 2013 में मतलब एक मतलब नोटिफिकेशन आई और उसमें कहा गया कि आप इसे मतलब के इसकी जो लायबिलिटी है उसे लिमिटेड कर सकते हैं। उसके लिए एक मतलब के LLP करके एक मतलब एक जैसे ओपीसी आया था 1% के लिए, इसकी लायबिलिटी पार्टनरशिप की लायबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए एक LLP आया जिसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इस एक्ट के तहत आप मतलब के जो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है उसको लिमिटेड कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही होगा, फिर जो इस फर्म की लायबिलिटी हो जाएगी वो लिमिटेड हो जाएगी और इसकी पर्सनल असेट्स को बेचकर इसकी लायबिलिटीज को पूरा किया जाएगा, लेकिन इसके पार्टनर्स की असेट्स को टच नहीं किया जाएगा। नहीं तो अदरवाइज जितने भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी की पर्सनल असेट्स को बेचकर सारी की सारी लायबिलिटी को पूरा किया जाएगा जो भी देनदारी है। लेकिन अगर आपने LLP में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, LLP में कन्वर्ट करवा लिया अपनी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को, तो लिमिटेड जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी और उसके बाद देनदारी सारी फर्म की रहेगी, आपकी कोई देनदारी नहीं रहेगी। इसके बाद आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्यों जाएं? ठीक है, देखिए कुछ लोग शौकिया तौर पर प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करवाते हैं, क्योंकि जैसे पार्टनरशिप फर्म है अब उसमें 100 पार्टनर तो हो गए, अब कोई 101 मतलब एक पार्टनर और आना चाहता है, 101 पार्टनर, 102 पार्टनर, 103 पार्टनर, अब कैसे हैं? 100 से ज्यादा तो ले नहीं सकते ना, तो ऐसे में फिर वो क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करेंगे कि अब हम अपनी राधे एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे जो पार्टनर हैं वो 100 से ज्यादा हो गए हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हमें पैसे की जरूरत है तो हमें और पैसा चाहिए, तो अब वो पार्टनर तो ऐड नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब वो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवाएंगे और उसके अंदर और लोगों को मतलब के ऐड करेंगे, और जो लोग इसमें ऐड होंगे उनको हम पार्टनर नहीं डायरेक्टर बोलेंगे। प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर होता है उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर बोलते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो मतलब कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर मतलब के जो वर्ड यूज होगा, जो मतलब के इन्वेस्टर्स हैं उनको वैसे तो शेयर होल्डर बोलते हैं, बट लेकिन जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं उसमें जो मैनेजमेंट का रोल प्ले करते हैं तो उनको हम डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो काम करते हैं मैनेज करते हैं उसे हम पार्टनर बोलते हैं, क्योंकि पार्टनर ही इन्वेस्टर होता है, पार्टनर ही उसके अंदर मतलब के उसको मैनेज करता है, उसमें काम करता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं और जो काम करता है उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं। तो डायरेक्टर पैसे इन्वेस्ट भी कर सकता है, शेयर होल्डर भी बन सकता है, ठीक है, और जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर भी बन सकता है, मतलब उसमें काम भी कर सकता है। तो जो डायरेक्टर है वो मतलब एक उसमें ना बोर्ड होता है, एक बोर्ड बना होता है, तो उस बोर्ड में एक से ज़्यादा डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर होल्डर मिलकर डायरेक्टर मिलकर मतलब उसमें कहने का ये है कि जो शेयर होल्डर है ना वो मिलकर एक बोर्ड बनाते हैं और उसमें बोर्ड मीटिंग होती है और उसमें जो डायरेक्टर हैं काम करने के लिए उनका सिलेक्शन होता है, उन्हें चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसमें मिनिमम दो डायरेक्टर मिलकर चाहे हस्बैंड वाइफ या दो पार्टनर मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ
अगर आपके डायरेक्टर, अच्छा इसमें आप ना बाहर से फंडिंग नहीं ले सकते, मतलब पब्लिक को नहीं कह सकते कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको इसमें शेयर देंगे, ये अलाउड नहीं है। तो जब हमें और बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, मतलब तो हम इसमें 200 से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, 2 लाख, 2 करोड़, अनलिमिटेड, तो ऐसे केस में हम फिर बाहर से फंडिंग उठाने के लिए अपनी कंपनी में मतलब प्राइवेट लिमिटेड से फिर हम लिमिटेड की तरफ मूव करते हैं और लोगों को इन्वॉल्व इसमें करते हैं। तो जो पब्लिक लिमिटेड होती है, इसलिए इसके नाम के आगे पब्लिक भी लगा होता है, देखिए पब्लिक लिमिटेड, इसे लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड भी कहते हैं। तो राधे एंटरप्राइज लिमिटेड हम वर्ड यूज कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के बजाय लिमिटेड वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें, राधे एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी, मतलब लिमिटेड ऐसे कह सकते हैं, राधे एंटरप्राइज लिमिटेड। तो इसमें अनलिमिटेड लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर से पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, अपने यार दोस्त उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन हमें मल्टी इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ती है लाखों करोड़ों में, तो फिर हम उसे पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं, फिर उसमें पब्लिक, फिर हम उसमें शेयर इशू करते हैं, तो फिर लोग पब्लिक जो है शेयर बाई करती है और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो ये होती है हमारी लिमिटेड कंपनी। इसमें भी जो हमारी लाइबिलिटीज होती है लिमिटेड होती हैं, तो अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी देनदारी बनती है, बिजनेस डूब जाता है, तो सारी लाइबिलिटी जो होती है वो कंपनी की होती है। इसमें उनके जो डायरेक्टर होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं, उनकी पर्सनल असेट्स को बेचकर सारी लाइबिलिटी नहीं उतार चुकाई जा सकती, ठीक है। तो ये दोस्तों एक चीज पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 7 लोग मिलकर इस पब्लिक कंपनी को बना सकते हैं, लिमिटेड कंपनी को बना सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड 1 लाख 2 लाख करोड़ कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी लोग इसमें मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए कि कितनी तरह की फर्म या कंपनी होती हैं और कब लिमिटेड करवाना होता है, कब प्राइवेट लिमिटेड करवाना होता है, लाइबिलिटीज लिमिटेड अनलिमिटेड, इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।